हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि पाइथन के अंदर आप पूरा का पूरा एक कैलेंडर लेके आ सकते हैं। कैसे आएगा ये देखिए, यहाँ पर एक कोड लिखा है, आप ये कोड कैलेंडर को इंपोर्ट कराया है और यहाँ पे टीके इंटर ये एक मॉड्यूल मैंने यूज किया है, एक पैकेज यूज किया है और यहाँ पे शो कैलेंडर नाम का एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर ये पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है। ठीक है, अब इसमें हम इसको चलाने से होगा क्या वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो रन करते ही हमारे सामने ये कैलेंडर वाली विंडो आ जाती है और यहाँ पूछा जाता है कि आप किस ईयर का कैलेंडर देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 2050 का कैलेंडर देखना है, तो यहाँ 2050 एंटर कीजिए और यहाँ शो कैलेंडर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर 2050 का कैलेंडर पूरा पूरा दिखेगा। अब किस महीने में कौन सा दिन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमें 2023 का या 22 का कैलेंडर देखना है। ठीक है, 22 तो बीत चुका, 23 का देखना है। ठीक है, तो ये 23 कर दिया और यहाँ पे इसको शो किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं।